दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरल नुस्खे में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में दुबलेपन से छुटकारा कैसे पा सकते हैं ये बताऊंगी। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए पहले दुबलेपन का कारण जान लेते हैं। अगर हमें किसी बात की टेंशन है तो हमारा वजन नहीं बढ़ता बल्कि और घटता ही जाता है। अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे शरीर में लगता नहीं है। दूसरा, कब्ज। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें हमेशा कब्ज की शिकायत रहती है तो हमारा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कब्ज है तो इसका मतलब है कि हमने जो भी खाया वह पचा ही नहीं, और जब पचा नहीं तो शरीर बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, अपना पेट साफ करिए। कुल मिला के हमें कब्ज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, जिससे आप जो भी खाएं वो पच सके। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप बस कुछ चीज़ों से अपने शरीर को कैसे सुंदर व सुडौल बना सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपको 15 से 20 अच्छे पिंड खजूर, थोड़ी किशमिश, चौथाई चम्मच सौंठ, 1 से 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच घी और 1 पाव दूध लेना है। अब आपको दूध में घी के अलावा बाकी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उबालना है। फिर गैस बंद करने के बाद दूध में घी ऊपर से मिलाकर, यानी कि आप दूध में सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल लीजिए और उसके बाद उस गैस बंद करके उसमें घी मिला दीजिए। घी को मिलाकर आप इसे रोज़ सुबह नाश्ते में सेवन करिए। लगभग 1 महीने तक आप रोज़ इसका यूज करिए तो आपको अपने शरीर पे खुद ही असर दिखने लगेगा और आप खुद कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे, क्योंकि दुबलेपन के वजह से हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। इस वजह से हम कुछ भी मतलब कर नहीं पाते हैं या जो भी समझिए, तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रयोग कितना ही कारगर है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।